फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। आज का जो मेरा वीडियो है वो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से काफी लोगों ने मुझे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट भेजा था, मेल पे, कमेंट्स पे। तो जो मेरा लिविंग रूम टूर वाला वीडियो है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको काफी सारे अपने DIYs दिखाए थे जो मैंने बनाए हैं। तो उसमें से रिक्वेस्ट था कि मैं जो नेम प्लेट है उसका DIY दिखाऊं कि वो मैंने कैसे बनाया है। तो आज का वीडियो मेरा एग्जैक्टली वही है कि मैंने उस नेम प्लेट को कैसे बनाया है। आज जो मैंने बनाया उसमें कलर्स थोड़े से डिफरेंट यूज किए हैं, क्योंकि मैंने जो मेरा किचन है मैंने उसके लिए ये नेम प्लेट बनाया है। पर दोनों ही नेम प्लेट का जो प्रोसीजर है, जो मटेरियल्स है, पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके जो मेरा डोर का नेम प्लेट है वो बना सकते हैं, या फिर जो मेरा किचन वाला आज का नेम प्लेट है उसको भी आप एज ए नेम प्लेट यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। कैसे आप थोड़े से पैसे में, ख्याल से 100 रुपीज के अंदर अंदर ही आप ये इतना सुंदर सा नेम प्लेट बना सकते हैं। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप जरूर फॉलो करिए, उसमें मैं काफी सारे अपने डेली लाइफ के पिक्चर्स वगैरह भी डालती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेम प्लेट बनाने के लिए जो हमको चाहिए वो है ऐसा एक कार्डबोर्ड। ये अमेज़ॉन का बॉक्स है, देखिए। तो इसको हम काटेंगे एक साइड से। काटने के लिए सीजर। कलर्स के लिए हम यूज़ करेंगे ये फेविक्रिल के एक्रिलिक कलर्स, पेंट ब्रश, और ये है एमसील का, ये वाइट कलर का एमसील है। ये जनरली एमसील दो कलर्स में आते हैं, तो जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये वाइट एमसील, वाइट एपॉक्सी पुट्टी। और हमको ये, जैसे मैंने पेंट ब्रश दिखाया, जो मैं पेंट ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ वो है इसका कैमलिन का, कलर मिक्स करने के लिए पैलेट। और जो हम कार्डबोर्ड पे चिपकाएंगे उसके लिए हमको चाहिए वाइट सीमेंट। जो वाइट सीमेंट यूज़ कर रही हूँ मैं वो है ये वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, पानी और फेविकॉल। और इन तीनों को मिक्स करने के लिए एक पुराना मिक्सिंग बॉल, मैं ये आइसक्रीम का पुराना डब्बा यूज़ कर रही हूँ, और एक ये किचन का लैडल, या आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ख़राब हो जाते हैं आपके किचन में होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, काले हो जाते हैं, आप उनको भी यूज़ करके पेंट कर सकते हैं। या मैं नॉर्मल, ये मैं लेके आई थी एक नॉर्मल जो शॉप है वहाँ से, आई थिंक 20 रुपीज़ का ही था ये। सबसे पहले हम इस बॉक्स को काटेंगे। मैं सोचती हूँ ओवल शेप बनाने का, तो मैं इसको ओवल शेप एक बार साइड से कट करके फिर उसको ओवल शेप दूँगी। ये मुझे ये पीस चाहिए इतना। अब मैं इसमें एक छोटा सा ओवल शेप ड्रॉ करूंगी। तो मुझे ये शेप चाहिए, रेक्टेंगुलर सा, रेक्टेंगल कम ओवल टाइप का, एजेस मैंने कर्व्ड कर दिए हैं इसके ऐसा। अभी हम मिक्स करेंगे फेविकॉल, पानी और सीमेंट। मैं डालूंगी फेविकॉल, मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, तो पानी, फेविकॉल और सीमेंट का ये मिक्स बनाया है मैंने। मैंने इसमें वाइट सीमेंट डाला है ऑलमोस्ट एक कप पानी, आधा कप, इस गिलास का आधा गिलास पानी यूज़ हुआ है, और फेविकॉल आधा फेविकॉल यूज़ किया है मैंने। तो इसका मैंने ऐसा पेस्ट बना लिया है, ये ऐसा। इसको हम ऐसे स्प्रेड कर देंगे, मतलब बहुत परफेक्ट नहीं होना है हमको इसमें, वैसे भी हमको इसको थोड़ा अनइवन सरफेस ही चाहिए, तो हम इसको अनइवनली स्प्रेड कर देंगे ऐसे।
एजेस पे लगाएंगे ताकि एजेस बाद में दिखे ना ऐसे। अभी ये थोड़ा सॉफ्ट लग रहा होगा टच करने में, लेकिन जब ये सूख जाएगा तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा। आप हाथ यूज़ कर सकते हो, अगर आपके हाथ सेंसिटिव हैं, आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप ग्लव्स पहन के ग्लव्स यूज़ करके इसको लगाएं। एक्चुअली मुझे इसको टांगना है, लाडिल को ऊपर ऐसे रखना है, ऐसे बनाना है मुझे कुछ, तो इस तरह से आया होगा, कुछ दिख रहा हो ऐसा, तो इस लैडल से इसको टांगना है। तो मेरे पास है ये जूट, तो मैं इतना लेके इस पे चिपकाऊंगी ऐसा, इधर एक और इधर एक, और इसको मैं सीमेंट से ही लगा दूंगी तो ये सीमेंट से ही चिपक जाएगा। इतना लेवल चाहिए मुझे, तो इधर मैं लगा दूंगी सीमेंट। और वैसे ही सेम दूसरे साइड में भी सेम लेवल पे होना चाहिए दोनों। थोड़ा सा खींच लेंगे इसको, ये हो गया। हम पीछे भी इसको थोड़ा सा कर देंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपके हाथ सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ ग्लव्स पहन के करिए। मैंने पहले भी इस पे बिना ग्लव्स के काम किया है तो मेरे हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब मैं इसको धीरे से हटा दूंगी, तो ये देखिए ऐसा बन गया है ऐसा। अब मैं इसको रख दूंगी सूखने के लिए, ये कम से कम एक दिन लेगा पूरा का पूरा सूखने के लिए। ये देखिए ये एक दिन के बाद ऐसा पूरा का पूरा सूख चुका है, पीछे से भी आगे से भी पूरा, हैंगिंग के लिए भी रेडी है। तो अभी ये जो क्रैक्स बीच में आपको ना थोड़े थोड़े ऐसे क्रैक्स दिखेंगे, तो आप घबराइए मत, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम कलर करेंगे तो सब चला जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हार्ड हो गया है, मैं इसको ऐसे ऐसे करूँ तो भी टूटने का कुछ नहीं है, हार्ड हो गया बिल्कुल। तो अब हम इसको कलर करते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल का ये ब्लू वाला कलर। मैंने इसको ऐसा कलर दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा वाइट थोड़ा ब्लू ऐसा फिनिशिंग चाहिए था। आप अपने हिसाब से कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको सूखने के लिए रख दूंगी। हमारा ये सूख चुका है, अब हम करेंगे इस पे काम। अब मैं इस पे लिखूंगी मम्स कैफे। बीएमसी में ऐसे दो पैकेट्स आते हैं, इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम इसके ऊपर फेविकॉल से जो हमने मम्स कैफे लिखा है उसको लगा देंगे ऐसे।
तो ये हमारा देखिए ये हो गया मम्स कैफे सर्विंग लव। अब इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम इसको कलर करेंगे। सर्विंग लव मम्स कैफे।